सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी आज एक नई क्लास स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन में एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, जो हम एमसीक्यूज विद इन 10 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग सभी अपने दोस्तों तक ही पहुँचाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास को आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। प्लीज एग्जाम से पहले आप सभी लोग इन क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे और इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए। क्लास 10 की मैथ्स जो टर्म वन एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बता रहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिना पेन चलाए हम कैसे कर सकते हैं, और देख लेना उस क्लास को, काफी अच्छी क्लास है आप लोगों की, ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, वहां पर मैंने आपको 12 क्वेश्चंस करवा रखे, तो यहाँ पर देखिए हम 10 क्वेश्चंस करेंगे आज। तो क्वेश्चन ये है, देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर 615। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, लार्जेस्ट, इस लार्जेस्ट से मतलब आ जाता है क्या, फटाफट मैं आपको समझाता हूँ। उसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे आप लोग, जब भी आपको लार्जेस्ट कहे कहीं ना कहीं, तो आपको समझ लेना कहीं ना कहीं आपसे HCF निकालने को कह रहा है। अब दोस्तों, हमें नहीं पता है HCF कौन से नंबर को निकालने, कौन से नंबर के लिए HCF निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने ऐसा कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, जिनको हम 615 एंड 963 से डिवाइड करेंगे, करें तो बताइए इन दोनों के लिए एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जिनको हम इनसे और इनसे डिवाइड करें और क्या हो, रिमाइंडर 6 बचे। जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर ही 6 बचे। अब दोस्तों, जो जिनका HCF निकालना है, टू फाइंड द HCF किसका, ये नहीं पता हमें। देखिए, इन नंबर्स का HCF मत निकालना कभी भी, टू फाइंड HCF, सॉरी, टू फाइंड दोस्तों HCF, देखिए कैसे कर रहा हूं मैं इसको, आप ऐसे ही करेंगे, टू फाइंड HCF ऑफ, दोस्तों देखिए जो बच रहा है उसी को आप इट कीजिए, जो भी रिमाइंडर में बच रहा है ना, 621, दिस वन, देखिए ये आपका रिमाइंडर था, ऑलराइट दोस्तों, अच्छे से देखेंगे आप लोग, दिस वन इज द रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है, जो नंबर्स में जो रिमाइंडर है, जो चीज बच रहा है आप उसी को ही ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए एक चीज और, यहाँ पर एक चीज और, ईच केस कह रहा, तो मतलब दोनों में ही रिमाइंडर 6 बच रहा है एंड 969। अब एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको, देखिए अब इसका मतलब, टू फाइंड द HCF ऑफ 621 एंड इसका, दोस्तों देखिए इन दो नंबर्स का HCF निकालना है, ठीक है, फाइंड HCF ऑफ किसका, ये दो नंबर्स हैं जो, इनका HCF निकालना है आपको। दोस्तों देखिए, ये नंबर्स हैं जो, जिनका आपको HCF निकालना है, यही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से देखते हैं, आप क्या करिए, एक तरीका, सॉरी आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा एग्जाम आपको लेंदी ना पड़ जाए, तो इसलिए मैं तरीका लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्या करेंगे, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से माइनस कर देंगे। दिस इज द मैथड टू फाइंड द HCF ऑफ एनी नंबर्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए 969 में से आप लोग 621 माइनस करेंगे। देखिए अभी ये आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन 15 सेकंड के बाद होने वाला, 15 सेकंड से पहले भी जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप लोग अपनी स्पीड मेंटेन करेंगे। दोस्तों देखिए 348 आ गया, अब थोड़ा सा समझना है हमें, क्या आप लोग एक काम कर सकते हैं, या तो आप 348 के क्या कर लें, 348 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, और ये सब आप लोगों को पता है। एक चीज और कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे जब, देखिए ऑप्शन की अप्रोच क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर एक ऑप्शन आपका 87, 75, फिर आपका 56 एंड द लास्ट वन इज 88। देखिए फ्रेंड्स, कैसे कैसे हमें किसी ऑप्शन को देखना पड़ता है, ये आप प्लीज ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम, आप लोग ये चार ऑप्शन देखेंगे, चार ऑप्शन में देखिए कि अभी फिलहाल क्या कीजिए, लार्जेस्ट नंबर, द लार्जेस्ट नंबर ना, क्या बोल रहा है, ठीक हो गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द नंबर, इसका मतलब लार्जेस्ट कोई ऐसा फैक्टर ढूंढ लीजिए कोई लार्जेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, अभी फिलहाल मुझे लगता है कि यार ये दो तो स्मॉलेस्ट है, फिलहाल लार्जेस्ट ये भी है और ये भी है, तो इस लार्जेस्ट को देखूं अगर मैं, तो मुझे कहीं ना कहीं देखिए 87 में इस 7 की जो डिजिट है ना, एंड डिजिट्स, एंड डिजिट कितनी 7, और यहां पर कितनी एंड डिजिट 8, मतलब मुझे कहीं ना कहीं पता लग रहा है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या पता मुझे ये मिल जाए पूरा का पूरा। तो देखिए,
तो जब ये मुझे मिल ही रहा है तो आप इसके टेबल में कहाँ आएगा? इसके टेबल में नहीं आएगा, इसके टेबल में आ चुका है। इसका मतलब दोस्तों देखिए क्या हो गया है, ये क्या हो गया आपका HCF ऑफ दिस गिवन नंबर, इसका मतलब एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऑलराइट, ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों के लिए। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों के लिए। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, इस देखिए हमें क्या करना था, इस नंबर को किससे डिवाइड करना था, कौन से नंबर से, इनसे, इनसे डिवाइड करना था हमें, किनसे, इनसे। अब इनसे डिवाइड करने में देखिए रिमाइंडर 6 से आना ही आना है, ठीक है। तो देखिए कैसे आएगा, चलिए देखिए, तो यही वो ऑप्शन, देखिए ऑप्शन तो आपको मिल चुका है, ऑलराइट, यही है आपस, आप इनका एचसीएफ निकालेंगे उनका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक हो गया। देखिए कैसे, आप 87 में देखिए आप क्या करिए, 87 56 का जब आप 87 को डिवाइड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का रिमाइंडर 6 आना चाहिए। 87 कितने जा, 87 8 जा, 8 7 56 5, 8 64 नहीं 77 जा करिए, ज़्यादा जाएगा ना, हाँ 87 7 जा, 7 7 9 4 7 56 60, ये देखिए फ्रेंड्स ये 6 रिमाइंडर आ गया। अब आप इसी को, इस 87 को ही इससे भी कर सकते हैं, 600 क्या था आपका, 963 जब आप करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। ये देखिए इतना आ गया 7 9 93, ठीक है। अब देखिए 87 बन जा 87, ये देखिए फ्रेंड्स ये आ गया 6 रिमाइंडर। तो देखिए इस तरीके से हमने आंसर निकाला कि वो नंबर कौन सा है, 87 को नंबर है, जिनको जब हम 87 को इससे और से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, तो वही 6 रिमाइंडर आ रहा है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वो इसको इससे प्लस कर दिया, इसको इससे प्लस कर दिया और एचसीएफ हमने उसका निकाल दिया इसका, ठीक, एचसीएफ से पता लग जाएगा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये थिंग आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एचसीएफ तो 87 आप लोगों का आ गया यहाँ पर से, सॉरी लार्जेस्ट नंबर भी वही, मतलब लार्जेस्ट नंबर आ गया आप लोगों का। चलिए दोस्तों अब विद इन 10 सेकंड बोला है मैंने, अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो जो बोला है वैसा है नहीं, लेकिन दोस्तों दोस्तों देखिए सेम है वैसा ही, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर देख ले एक दो बार और तो ये उससे भी जल्दी होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज मैं आप लोगों को जो भी बोल रहा हूँ सच्चाई है पूरी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए हाउ मेनी सोल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। दोस्तों देखिए इसको अगर आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने स्क्रीन, आपके पास जो कॉपी होगी जिसमें आप क्वेश्चन पेपर होगा उसको आप देखेंगे ना अगर, तो देखते ही आप इसका आंसर लगा देंगे आई थिंक। देखिए कैसे, एक्स प्लस वाई दोनों साइड एक्स प्लस वाई। चलो मैं आपको भी यहाँ पर वो तरीका बताता हूँ आपको वहाँ पर कैसे करना है कम समय के अंदर, जल्दी से जल्दी देखते हैं। दोस्तों देखिए ये लिखना, ये वाला चीज लिखना भी आपका एक टाइम वेस्ट कह सकते हैं। क्या आप अपने मन से दिमाग में सोच सकते हैं कि यार यहाँ जाके माइनस हो जाएगा यहाँ जाके प्लस वन हो जाएगा? ऑलराइट, आपको अगर ऐसा नहीं भी करना है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप वहीं रहने दीजिए। अब दोस्तों देखिए, सॉरी यहाँ प्लस फाइव हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी टू सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ किसकी होती है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, टू वेरिएबल की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर से आपको पता है, देखिए दोनों के कोएफिशिएंट 1/1, 1/1, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, -1/5 हो जा रहा है। तो ये कहाँ का केस आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए मैं बिना लिखे ही बता रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि आपको भी ऐसे ही सोचना है। तो अगर आप इसमें अगर ये सब कुछ करेंगे ना दोस्तों, देखिए क्या यही तो है एमसीक्यू का टाइम वेस्ट, क्या है, दिस इज द टाइम वेस्ट ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। ये देखिए कैसे आप टाइम वेस्ट कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं, प्लीज अवॉइड, प्लीज अवॉइड दिस, कि क्या अवॉइड करना, देखो ये अवॉइड मत कर, नहीं करना मतलब इसको नहीं भी लिखे हैं तो आपके क्या, आपके मन में आपको पता नहीं है कि यहां पे ये किसका केस है, ऐसा केस किसका आता है, नो सॉल्यूशन का आता है, किसमें, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। इसका मतलब कौन सा केस आएगा, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस होता है, ठीक है, क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ये सब चीज आप लोगों को पता है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट नो सॉल्यूशन कर दें, या अगर कहीं कहीं ऑप्शन में आप लोगों को मिला होगा जीरो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और कैन वी से जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, और कहीं ना कहीं खाली जीरो लिखा होगा, यह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को तो बहुत जल्दी कर लिया है, बाकी आपकी मर्जी है आपको कितना टाइम लगाना है इसमें। चलिए दोस्तों अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, सभी लोग देखिए एक बार।
एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, वेरी गुड। नाउ फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि इसके जीरोज बताइए, इवेल्युएट द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। अरे यार, इसके जीरोज तो बच्चा बच्चा बता देगा। ऑलराइट, नाइन्थ क्लास से ऊपर वाला स्टूडेंट या फिर एट क्लास से ऊपर वाला स्टूडेंट बता देगा इसके जीरोज क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके जीरोज निकालने, तो इसको जीरो के बराबर करिए, ठीक है, टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलीनोमियल। हमें क्या करना है, होल पॉलीनोमियल को जीरो के बराबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स स्क्वायर है, देखिए 2 2 16। अब ये चीज किसको नहीं पता कि एक्स इजल टू अंडर रूट 8 हो जाएगी यहाँ से, और जब इसको निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2 आएगा। ये चीज आप लोगों को पता है, क्योंकि 8 के अगर हम प्राइम वो करें तो 2 2 4 जाए, 2 2 4 2 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 और इसके साथ एक रूट 2, कितना आ गया 2 रूट 2। और अंडर रूट जब भी ओपन होता है तो प्लस और माइनस के साथ होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता है। 2 रूट 2 प्लस और माइनस 2 रूट 2 इसका ऑप्शन होगा, या तो ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी दे सकता है, ये आपकी एग्जामिनर की मर्जी है, ठीक हो गया। ये इस तरीके से या इस तरीके से दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आ रहा है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है इस क्लास में। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन द एक्सप्रेशन। अब देखिए, ये तो मैं आपको वादा दे रहा हूँ, वादा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बिना देखे कर लेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से भी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो याद करी होंगी। जो मैंने बोला था, थ्री आइडेंटिटीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड द लास्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दोस्तों देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं यूज आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको रिविजन करा दे रहा हूँ ओरली। अब इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। देखिए, मैं लिख तो रहा हूँ, लिखना तो आपको है नहीं, लेकिन समझाने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। इसके की वैल्यू निकालें। देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, वन स्क्वायर है, अगर ये स्टेप नहीं लिखती भी, सीधे वन का स्क्वायर को वन कर दिया, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं करनी है, हमें नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 के पास जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। ऐसे अगर साइन जाता तो साइन स्क्वायर थीटा बनता 1 माइनस, ठीक हो गया। अब दोस्तों देखिए, कॉस और सेक में एक रिलेशन आप लोगों को बता रहा है कि कॉस थीटा क्या होता है, इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ द सेक थीटा। ये चीज आप लोगों को पता है, तो ये अगर 1 अपॉन सेक होगा। देखिए दोस्तों, अब मुझे ये बताना दोस्तों, आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, अदरवाइज तो मैं इसको यहाँ से इतना लिखता नहीं, ठीक हो गया। तो देखिए, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल और 1, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1 आप लोगों की आ चुकी है, इसको आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप उड़ा देंगे हवा में, देखिए कैसे, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम में परेशान करेंगे, लेकिन आपको नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब किस तरीके से मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्यों परेशान नहीं होना, देखिए क्या है इसके पीछे ऐसा। देखिए दोस्तों, आप लोगों से क्या कह रहा था, एक पॉइंट है P जो कि लाई कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं A 2,1 एंड B 8,4। इट मींस यू हैव अ लाइन लाइक दिस, एंड इन बिटवीन दिस लाइंस वी हैव अ पॉइंट P विच इज 4,2, एंड दिस पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट ठीक है, किस लाइन सेगमेंट में है, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, 8,4। दोस्तों देखिए, इसको करने से पहले, देखिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे मेन चीज तो पहले ये होती है, हर क्वेश्चन के लिए सबसे मेन चीज होती है, पहले क्वेश्चंस को प्लीज अच्छे से बना लो या क्वेश्चंस को लिख लो, ठीक हो गया। सबसे मेन चीज देखिए, ऑप्शन से भी पहले सबसे मेन चीज होती है क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से उसके एक एक वर्ड्स को समझना जरूरी है। नहीं तो आपका क्वेश्चन कैसे भी कर लो, आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन से हम कर लें, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन से तभी करते हैं हम जब हम क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग प्लीज ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन जो भी हैं आप लोगों के, वो सबसे पहले आप क्वेश्चन पर कम से कम एक रीड कर लीजिए और अच्छे से करिए, ठीक हो गया। अब देखिए, रीड अच्छे से करना है क्वेश्चन को। अब दोस्तों बताइए, पूछ रहे ना आपसे एपी एंड ये पीबी के बीच में, सारे ऑप्शंस जो हैं आपके एपी एंड पीबी के बीच में रिलेशन पूछेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है,
ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि आपसे पूछ रहा है कि एपी और पीबी के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, कि एपी पीबी के बराबर है या एपी ट्वाइस टाइम्स है पीबी के या एपी हाफ है पीबी का, इस तरीके से। दोस्तों देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बस कुछ नहीं करना है आप लोग, टू फाइंड द रेशियो। अब देखिए, रेशियो निकालने के लिए मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस क्लास में एक चीज बताई थी, वो क्या बताई थी, आप लोग क्या कीजिए, हर कोऑर्डिनेट के एक्स वाले पॉइंट देखिए, हर कोऑर्डिनेट्स के जो एक्स वाले पॉइंट है उनको देखिए, या हर कोऑर्डिनेट्स के वाई वाले पॉइंट को आप लोग सभी लोग देखिए। देखिए जो कैसे कह रहा हूं, इसका 2 है, इसका 4 है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यहां से आता कितना होगा बताइए, 4 माइनस 2 कितना हो गया, ये 2। ध्यान से सुनिए, ये 2 कहां पर के लिए है आपका, ये 4 माइनस 2 आया कहां के लिए है, इसके लिए, इस एपी के लिए। यहां देखिए, मैंने इस ये 2 से 4 का रिश्ता देखा, तो इस 8 से 4 का रिलेशन देखेंगे, मैंने बताया था कल की क्लास में, आप सभी लोगों को बता रखा है हमने। ये देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए ये, देखिए ये क्या आ गया, ये डिस्टेंस है, मान लीजिए इतनी डिस्टेंस है, यूनिट में है, ये यूनिट डिस्टेंस है। अब दोस्तों देखिए, एपी और एक काम करते हैं, इनको अगर हम रेशियो में लिखें कि एबी अपॉन पीबी इक्वल टू कितना है, देखिए 2/4, क्योंकि एपी 2 है, पीबी 4 है। अब इससे हम इसको कहते हैं 2 × 2, 2 × 4। यहां से देखिए फ्रेंड्स, ये तो देखिए बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन करने में बहुत ईजी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को भी आप उड़ा देंगे, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, प्लीज देखिएगा इस क्वेश्चन को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक हो गया। आप एम रेशियो एन निकालने में लग जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाने में लग जाएंगे, काफी देर हो जाएगी आप सभी लोगों को, ठीक हो गया। और यही क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, एक वाई के लिए भी चूज कर सकते हैं कि यस 2 − 1 1 एंड 4 − 2 2। ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 वैसे ही आ गया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्लास को प्लीज आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछने वाला है एग्जामिनर, ठीक हो गया। सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन को फोकस करता है, ठीक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर एपी इक्वल टू 1/2 एबी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए एक सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, ठीक है। तो सीबीएसई के सेलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज इन पर नजर रखिएगा, एक नजर प्लीज। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है आप लोगों का, जो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती उसकी क्या होगा, मतलब जो इवेंट हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0। इट मींस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। यार 100 मार्क्स से 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आप सभी लोगों को पता है क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है, प्लीज इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में आप प्लीज ज्यादा मत सोचेगा, ठीक है। तो 101 मार्क्स आना है, ठीक है, 100 तो हमारे पास टोटली है, अब फेवर में हम किससे जा रहे हैं, 100 से नीचे, या तो 100 में जाते तो 1 होती, 100 से नीचे जाते कुछ और होती, लेकिन 100 से ऊपर चले गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो दोस्तों देखिए, 0 से करेक्ट आंसर हो गया। अब 7th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन फिर से आ गया। दोस्तों देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, इसको प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, यहां से आपको आइडिया मिल रहा है। तो एग्जाम के आखिरी दिन है, प्लीज आप सभी लोग इस क्लास को पढ़िएगा, और यस शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को, सबको हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक हो गया। तो सबको ही 40 out of 40 लाने हैं। तो दोस्तों देखिए, इन विच क्वाड्रेंट डज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स −1, 2 एंड 3, 4। देखिए क्वेश्चन कितना ही दिमाग लगा ले, जब आपने सब कुछ पढ़ा तो आप सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर जो दिमाग लगाता है अपना कि हाँ बच्चों को इस तरीके से मैं पूछूं, और उसने शायद पढ़ा कुछ और है, मैं पूछ कुछ और रहा हूं, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल वही है जो आपसे, जो आपने कर रखा है, जो आपने 9th क्लास में भी कर रखा है, ठीक है, जो आपने 9th क्लास तक कर रखा है, जो आपने 9th क्लास, जो आपने 8th तक, 8th में भी कर रखा है, वो भी आपसे कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछ सकता है। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, देखिए कौन से क्वार्टर में मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये −1, 2 एंड 3, 3, 4 का मिड पॉइंट कौन से क्वार्टर में लाई करेगा, किसमें, कौन से क्वार्टर में लाई करेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, मिड पॉइंट को पता है आप लोगों को, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो देखिए, अगर मिड पॉइंट में पता है x1 + x2 = 2 होता है। अगर इस क्वेश्चन को मैं ओरली आप लोगों को बताऊं तो देखिए, जब आप −1 + 3 कर रहे हैं तो वैसे ही आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, और जब आप 4 + 2 भी कर रहे हैं वैसे ही आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है। दो पॉजिटिव कहां पर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, ठीक हो गया। दो पॉजिटिव कहां पर होते हैं, दो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स कहां पर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये फर्स्ट होता है हमारा, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। यार क्वेश्चन ने मिड पॉइंट तो नहीं पूछा है, देखिए पूछना चाहता था मिड पॉइंट, लेकिन पूछ दिया कोऑर्डिनेट। अब देखिए एक स्टेप आगे सोचता है हमेशा,
मतलब आप कुछ इसी तरीके से सोचिए कि अगर आप लोगों को आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना, ठीक हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखाना सबको आता है, सभी को आता है, लेकिन उससे पहले भी क्या बन सकता है, क्या सोच सकता है यार कि मिड पॉइंट अगर आ रहा है तो वो भी तो कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो क्वेश्चन में ऐसा इस तरीके से पूछने लग गया। देख लीजिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक मतलब आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, बस ये आपके लिए अच्छा है कि एग्जामिनर आप देख रहा है कि क्या आपको सारी नॉलेज है या नहीं है। थर्ड तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने करा है, और यस मैं अभी बताता हूँ कैसा होता है। ये देखिए -1, 2 and 3, 4 देखिए x1 + x2/2 ये पता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, एंड y1 + y2/2। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स पूछा था तो आप लोग निकाल देते, कोई बड़ी बात नहीं थी, -1 + 3, 2/2 कितना 1, चलिए ये कितना आ गया 6/2 कितना आ गया 3। सो 1, 3 तो यही लाई करेगा ना, और कहाँ लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर, आप लोगों को पता है, ठीक हो गया। कैसे पता है? अच्छा ये भी तो समझने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने कैसे कह दिया कि 1, 3, क्योंकि आप लोगों को पता है ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। इस हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के +, +, आता है, यहाँ पर आप लोगों का -, + आता है, एंड यहाँ पर आप लोगों का -, -, आता है, एंड यहाँ पर आप लोगों का +, -, आता है। ये चीज़ आप लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे, ठीक हो गया। और राइट दोस्तों, समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों देखिए ठीक हो गया, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत ही मजा फिर से आने वाला है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कह सकता हूँ, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपके, जो आपने 9th क्लास में आप लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, ये उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस फॉर्मूले को रिमाइंड कीजिए जब आपने अपने स्कूल्स में, जब अपनी क्लास में सब किया था, ठीक है दोस्तों, प्लीज रिमाइंड दिस फॉर्मूला, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक हो गया। अब देखिए ऐसा भी नहीं है, देखिए एग्जामिनर आपकी नॉलेज देखना चाहता है कि कितनी नॉलेज है आप लोगों को। अब ये कितनी नॉलेज है करके ये आपसे ये थोड़ा कि सारा ही कुछ बाहर से पूछ देगा। होने को देखिए क्या है, ये क्वेश्चन इतना चल रहा है क्योंकि उसको पता है ये क्वेश्चन साइन थीटा एंड कॉस थीटा का है, ऑलराइट, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। अब बहुत से स्टूडेंट को पता है यार ट्रिग्नोमेट्री का आउट ऑफ सिलेबस तो हो नहीं सकता, लेकिन देखिए होने को आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस जगह पर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने रिवाइज नहीं कर रखा है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करी है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे होना है इस क्वेश्चन का मैं बताता हूं, देखिए थोड़ा सा कैसे सोचता है एग्जामिनर, ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां से कितना हो गया sin θ × cos θ। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए यही तो बात है यहां पर ही हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से, आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने क्या कहा था, a³ + b³ दिख रहा है आपको, तो ये क्या होता है, देखिए ये दिखिए, देखिए ऊपर यही दिख रहा है आप सभी लोगों को, यही दिख रहा है पर a का क्यूब और b का क्यूब, जहां पर a कितना है, a अज्यूम कर लीजिए sin θ है, एंड b अज्यूम कर लीजिए कितना है cos θ। समझ में आ गया सभी लोगों को। अब देखिए इसको इसकी तरह लिखिए तो कितना लिखेंगे यहां पर sin θ + cos θ। देखिए अब कोई होशियार बच्चे और भी होंगे जिनको क्या पता इससे भी अलग आता हो, लेकिन हमें यही आता है और ये सबसे अच्छा तरीका मुझे भी लगता है, ठीक हो गया। देखिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्टिंग तो नहीं है, अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन तो प्लीज आप सभी लोग उसको करिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, अब सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई, आप लोगों की सारी कैलकुलेशन खत्म हो गई है। बस देखिए ये इससे मल्टीपल, ये पूरा इससे मल्टीपल में है और ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये तो कट गए आप लोगों के लिए, ठीक हो गया, ये और ये दोनों ही कट गए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक बार प्लीज माफी चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं, ये देखिए। चलिए तो दोस्तों अब मुझे बताइए एक आइडेंटिटी और होती है जो मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर, वो आप लगा सकते हैं। कौन सा होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला, मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी जो ब्रह्मास्त्र है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जिससे हमारे आइडेंटिटीज के सारे क्वेश्चन पॉसिबल है कि हो जाए, ठीक हो गया। देखिए वो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ये सॉरी वो आइडेंटिटी क्या है आप लोगों की, यही वो आइडेंटिटी है कि हमें पता है sin²θ + cos²θ = 1 होता है। दोस्तों देखिए एक चीज और इसके साथ अभी क्या है,
यहां पर अभी एक चीज और है हमारे पास, क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बाहर से था। चलिए ये देखिए ये कितना हो गया, इतना पूरा कट गया वन, ऊपर वाला ये भी वन हो गया। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वन, ये वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एंड देखिए दोस्तों प्लस यहां पर अलग से साइन थीटा कॉस थीटा है। अब जो नीचे वन था इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कट गए और आंसर आपका यहाँ से कितना आ गया, वन आ चुका है। कितना आ गया आंसर, वन आ चुका है। कितना इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग देखिए इसको। चलिए तो इस तरीके से हमने इसको देखिए, जब आपको ये पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आई थिंक ये आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों देखिए नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को प्लीज शेयर कर लीजिए। एक बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। एग्जामिनर यहां तक तो सोच ही सकता है कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे कि आपकी पूरा क्या कहते हैं आप पूरा हिल जाए, ठीक हो गया, मतलब आपका बिल्कुल जो कॉन्सेंट्रेट था वो बिल्कुल बिल्कुल फोकस आपका पूरा खत्म हो जाए क्वेश्चन से। वो ऐसा ऐसा भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन भी दे सकता है कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया यार, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। चलिए तो दोस्तों देखिए अब क्या है हमारा, एक नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वैसा ही कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल ट्वाइस ऑफ सर्कमफेरेंस। लिखना नहीं है, क्या बोला मैंने, लिखना नहीं है कि एरिया ए आर ई ए एरिया ऑफ सर्कल, ये लिखोगे तो टाइम वेस्ट, सीधे एरिया ऑफ सर्कल लिखो ना आप लोग। देखिए एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस किसका है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि क्या होता है 2πr, 2 से तो 2 तो है ही नहीं, चलिए पाई से, पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो रेडियस ही तो पूछा है, तो आर इक्वल टू 2 इंटू 2 4। अब ये क्वेश्चन देखिए मैं ऐसे कर रहा हूं, लिखने के बाद तो आप उसको 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ पर आर की वैल्यू पूछी थी आपसे तो 4 हो गई है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, प्लीज सभी लोग देखिए। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, देखिए टेंथ नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो एरिया वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लिखिए ये अलग टाइप का है, इसको उस तरह से मत मानिए, मतलब ट्राइंगल जैसा क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल हुज एरिया इन द रेशियो ऑफ 16:24। अब दो सर्कल के एरिया अगर 16:25 के रेशियो में है, मतलब मान लीजिए पहला सर्कल है जिसका रेडियस आर वन होगा, दूसरा सर्कल है जिनका रेडियस आर टू होगा। मैंने इसको क्यों लिखा है अपॉन में, क्योंकि रेशियो में ही दे रखे हैं आपको कितना, 16/25, यही तो रेशियो होता है 16:25। देखिए दोस्तों पाई से पाई कैंसिल, मुझे बताइए आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर से, 16/25। और जब आप लोग यहाँ पर देखिए आर वन अपॉन आर टू का होल स्क्वायर करें कितना होगा, 16/25। जब आप लोग आर वन अपॉन आर टू निकालेंगे ना, जब आप लोग कितना निकालेंगे, हाँ फाइंड द रेशियो सर्कमफेरेंस, ठीक हो गया, जब आप लोग आर वन अपॉन आर टू निकालेंगे तो कितना आएगा, इस साइड अंडर रूट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर पाई भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, ठीक है, मतलब 2πr1 सर्कमफेरेंस सर्कल, अगर आप 2π भी लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ठीक हो गया, क्योंकि अगर मैं यहां पर 2π भी लगा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इससे कट जाएगा, इन्हीं का तो रेशियो पूछा है। तो बस सिंपल आप लोगों से इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 2πr1 एंड 2πr2 कितना आ गया आप लोगों का यहां पर से, अंडर रूट 16 कितना होता है 4 और ये कितना होता है 5, इसका मतलब यहां पर से आप लोगों का 4:5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक हो गया। इसी तरीके से देखिए आप लोग कैसे क्वेश्चन हो गया हमारा, बहुत जल्दी ही इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। तो देखिए ये एक शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों की, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा और बहुत आसान है आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। तो 4:5 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। तो इस क्लास को हम एंड करते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए तो दोस्तों आज की ये क्लास आप लोगों की तो खत्म होती है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। प्लीज इस क्लास को आप सभी लोग अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड यस लाइक कीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सारी ही क्लासेस आपकी डेली ही क्लासेस हो रही हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जो लास्ट टाइम की क्लासेस हैं प्लीज इन पर फोकस करिएगा। आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज करवा दी है काफी टाइम पहले, प्लीज आप सभी लोग फॉलो कीजिए उसको, उस लेक्चर को और देखिए। एंड फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूलेस के अंदर काफी चीज ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो बता रखी मैंने, कुछ रिवीजन करा रखे और कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर किसी चैप्टर के, वो भी आप लोगों को करा रखे हैं, केस स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए
अब एक चीज और, आपकी सुपर सीरीज भी कराई है जिसमें आपके एक यूनिक क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब इस क्लास को हम एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।